हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय पाठ्यचर्या में विभिन्न विषय क्षेत्रों को शामिल तथा बहिष्कृत करने के मानदंड, क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट एरियाज फ्रॉम द स्कूल करिकुलम। महात्मा गांधी ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास से है। इसलिए उन्होंने केवल मानव के बौद्धिक विकास पर ही बल नहीं दिया, अपितु मानव के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। निर्धारित विद्यालय पाठ्यचर्या में अधिकांशता माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जैसा कहना चाहिए, या फिर निर्धारित विद्यालय पाठ्यचर्या में अधिकांशता सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान आदि जैसे विषय शामिल होते हैं, परंतु कुछ विषय जैसे कि कार्य शिक्षा, शिल्प शिक्षा आदि विद्यालयी पाठ्यचर्या के शास्त्रगत ज्ञान में शामिल नहीं किए जाते हैं। यह विद्यालय पाठ्यचर्या में शामिल विषय क्षेत्रों से स्पष्ट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में विद्यालय पाठ्यचर्या में ज्ञान के कोर विषय के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ज्ञान के या फिर कहें ज्ञान के मूलभूत यानी कि कोर विषयों के क्षेत्र क्या हैं, इस विषय पर हमें विचार करना होगा। हमारी विद्यालय व्यवस्था में अधिकांशता पाठ्यचर्या में अध्ययन के कोर विषय सम्मिलित होते हैं, जो कि भाषाएं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। यदि हम विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में विभिन्न जो है विषय होते हैं, अनेक नामों से, भिन्न भिन्न नामों से पाए जाते हैं। एक तालिका हम इसी के विषय में देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ हम देखते हैं विद्यालय शिक्षा के स्तर, विषय क्षेत्र, पाठ्यचर्या या फिर कहें विद्यालय पाठ्यचर्या प्रतिमान। तो जो प्रारंभिक स्तर है यानी कक्षा 1 से 8 तक का, एक तरह से कहें इसमें भी दो भाग, कई भाग कर लिए जाते हैं, जिसमें कि निम्न प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक, इसमें भाषाएं कौन कौन सी पढ़ाई जाएंगी, विषय क्षेत्र क्या हैं, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या रहेगा, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत दोनों के प्रकरण समाहित होते हैं, गणित अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में गणित ये रहता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर देखेंगे हम, ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए, भाषाएं कौन कौन सी होंगी इसमें सम्मिलित, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल का अध्ययन, विज्ञान के अंतर्गत हम देख रहे हैं यहाँ पर विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा, गणित अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में गणित का अध्ययन किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 9 और 10 भाषाएं कौन कौन सी रहेंगी, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक के अंतर्गत या सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। ऐसे ही हम देख रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन कराया जाएगा, गणित अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में जैसा कि प्राथमिक स्तर पर है गणित, वैसे ही उच्च इसमें शाखाएं क्या क्या रहेंगी, कला और मानविकी, भाषाएं अनिवार्य विषयों के रूप में अध्ययन किया जाएगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी और भाषाएँ आदि, कला एवं मानविकी वर्ग को विभिन्न जो है शाखाएं यानी कि इसकी विभिन्न शाखाएं अध्ययन के वैकल्पिक क्षेत्रों के रूप में समझी जाती हैं। इसके साथ हम देखेंगे विज्ञान, विज्ञान भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि अध्ययन के वैकल्पिक क्षेत्र के रूप में कला और मानविकी वर्ग की विभिन्न शाखाएँ, वाणिज्य, लेखा शास्त्र, व्यापारिक अध्ययन, विपणन, वित्त आदि अध्ययन के वैकल्पिक क्षेत्र के रूप में वाणिज्य वर्ग की विभिन्न शाखाएं रहेंगी। इस तालिका से, कहीं उपयुक्त तालिका से, विद्यालय पाठ्यचर्या में सम्मिलित
केंद्रीय विषयों के क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जाता है या ये तालिका प्रस्तुत करती है जो विषय क्षेत्र हैं उनके अतिरिक्त ज्ञान के अन्य विशिष्ट क्षेत्रों की स्कूली विषय के शास्त्रगत ज्ञान में एकीकृत किए बिना भी स्कूल की समय सारणी में सम्मिलित किया जा सकता है। अब जैसा कि बताया गया था कला एवं हस्तशिल्प, ये महात्मा गांधी ने ऐसी शिक्षा को अनिवार्य माना है जो बालक के जीवन से भी संबंधित हो और यानी कि बालक कुछ अपने आप से भी व्यवसाय कर सके, जिसमें है कला एवं हस्तशिल्प। विद्यालयी पाठ्यचर्या में कला एवं हस्तशिल्प का समावेश दशकों से वाद विवाद का विषय रहा है। तथापि यद्यपि अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है, कभी कभी इस विषय को विद्यालयी पाठ्यचर्या में तो सम्मिलित किया गया लेकिन मूल विषय क्षेत्रों में या विषय क्षेत्रों से इसको बाहर रखा गया, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कला एवं हस्तशिल्प यानी कि जो हाथ से शिल्प बनाया जाता है, किया जाता है, कि शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यचर्या में अधिगम यानी कि सीखने का जो है महत्वपूर्ण तत्व बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि बालक आगे चलकर स्वयं भी कुछ व्यवसाय कर सकें। बालकों में इन क्षेत्रों में कौशल यानी कौशल जो होते हैं, कौशलों और योग्यताओं को विकसित करने की आवश्यकता है जो कि विद्यालय ही कर सकते हैं। विद्यालयी पाठ्यचर्या में इन क्षेत्रों को केवल मनोरंजन के स्रोत के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए और ना ही इसको ऐसा देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी दृष्टि से देखेंगे तो बालक गहनता से अध्ययन नहीं करेंगे और रुचि भी नहीं लेंगे। सृजनात्मक अर्थात क्रिएटिव, अनुभूति प्रशंसनात्मक, कौशलात्मक, सौंदर्यात्मक और मूल्य आधारित अधिगम अवसर कला एवं हस्तशिल्प की शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यानी कि जब नया नया बालक सृजन करेंगे, सृजन तभी कर सकते हैं जब उनकी रुचि जागृत हो। रुचि जागृत करने के लिए अध्यापकों को पूरी तरह से अपना जो है मेहनत करनी पड़ेगी और उनको इस विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान देना होगा और साथ ही सृजनात्मक अनुभूति भी होनी चाहिए, प्रशंसा भी उसके प्रति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे हेय दृष्टि से देखा जाए। कौशलात्मक अनेक कौशलों के द्वारा उसे बहुत ही विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। सौंदर्य की अनुभूति उसे होनी चाहिए। मूल्य आधारित अधिगम के अवसर जो है कला एवं हस्तशिल्प की कला के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। यद्यपि उच्च स्तरों पर कला एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में आजीविका व रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बहुत आगे तक ये जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हाथ से निर्मित वस्तुएं हैं उनको लोग पसंद करते हैं, चाहे वे घर की सजावट की हों, चाहे प्रयोग में आने वाली हों। लेकिन फिर भी इन्हें विद्यालयी पाठ्यचर्या में अभी तक समावेशित नहीं किया गया है, क्योंकि अगर विद्यालयी पाठ्यचर्या में इनको सम्मिलित कर लिया जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा कि हम उच्च स्तर पर जाकर अधिक से अधिक छात्रों को प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि इस विषय को लेने वाले छात्र अधिक होंगे और इसका क्षेत्र यानी कि समृद्धि को प्राप्त करेगा। दूसरा देख रहे हैं हम कार्य शिक्षा। कार्य प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे वयस्क हो अथवा बच्चा जीवन का अभिन्न अंग है। कार्य की दुनिया के लिए बालक को विद्यालय में शिक्षित किया जाने की आवश्यकता होती है। बालकों को उनके भावी जीवन की तैयारी हेतु अधिगम अवसर के रूप में कार्य शिक्षा को जो है विशेष स्थान मिलना चाहिए या कहीं विद्यालयी पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बच्चे घर, विद्यालय, समाज अथवा कार्यस्थल पर काम करके ही सीखते हैं। समाज उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW का विद्यालयी पाठ्यचर्या में समावेश बालकों को सामाजिक जीवन का महत्व समझाने हेतु किया गया है। SUPW में बच्चों से जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे गत्ते की झोपड़ी बनवाई या तो उसका कोई अच्छा मॉडल बनवाया या कोई भी सिलाई कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनवाई। इससे क्या है, बालक इसका महत्व समझते हैं। ये उन्हें अनुशासित, आत्मनियंत्रित, ध्यान केंद्रित, ऊर्जावान और भावात्मक रूप से संतुलित बनाता है। साथ ही साथ जो है बेकार जो वस्तुएं होती हैं वेस्ट मटेरियल बना सकते हैं, यानी कि एक उपयोगी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन वर्तमान विद्यालय पाठ्यचर्या में SUPW का समावेश मुश्किल से ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। विद्यालय पाठ्यचर्या के शास्त्रगत ज्ञान में इसको प्रभावशाली रूप से सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शांति शिक्षा।
हिंसा, असहिष्णुता, कट्टरता, मतभेद और वैमनस्य की अनापेक्षित वृद्धि से हमारे समाज को निरंतर भय रहा है, क्योंकि हम देखते हैं हर जगह जहाँ से बच्चे छोटे छोटे गुजरते हैं वहाँ भी इस प्रकार की जो बातें होती रहती हैं और बालकों पर उनका प्रभाव पड़ता है। हिंसा तो आम बात हो गई है और असहिष्णुता, किसी की प्रति सहिष्णुता नहीं है, कट्टरता, कोई भी दयालुता का भाव बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके अंदर दया का भाव होता है, वरना ये इसका भी एक तरह से एक अलग होती जा रही है। मतभेद यानी कि कुछ लोग एक साइड चल रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी साइड चल रहे हैं, चाहे अच्छा ही रास्ता सबको पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मत में भेद होना ही चाहिए, उनका ऐसा सोचना रहता है, तो अच्छी बात को भी न मानकर दूसरी तरफ चलते हैं। और वैमनस्य की अनापेक्षित वृद्धि से हमारे समाज को निरंतर भय रहा है, डर बना रहता है, इसलिए बालकों को और नवयुवकों को सहिष्णुता और जो है विद्यालय, समाज में, घर में शांति फैलाने के लिए प्रशिक्षित किए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या में शांति शिक्षा को सम्मिलित करने हेतु विद्यालय मुख्य वाहक हैं, यानी कि विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसमें इसको लगाया जा सकता है। वह स्वयं व दूसरों के साथ सद्भाव से रहने हेतु नैतिक विकास, मूल्यों का विकास, मानव अधिकार, न्याय, सहिष्णुता, सामाजिक उत्तरदायित्व और अभिवृद्धि और आवश्यक कौशलों को आवश्यक रूप से प्रोत्साहित करता है। क्योंकि इसके पोषण से ही शांति शिक्षा का एक तरह से कहीं विकास होता है। यदि हम अपने विद्यालय पाठ्यचर्या का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि शांति शिक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए बहुत ही कम प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है और वह भी कुछ विषयों और प्रकरणों तक सीमित हैं। शांति शिक्षा को केवल कुछ विषयों अथवा प्रकरणों तक सीमित ना करके विद्यालय पाठ्यचर्या मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि पाठ्यचर्या के विषय या विषयी प्रकरणों से परे विविध रूपों जैसे कि कहानियों, विवरणों, क्रियाकलापों, अंतःक्रियाओं आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विद्यालय पाठ्यचर्या में शांति शिक्षा का समावेशन बालकों को जीवन में शांति के महत्व को समझाने में सहायक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवन कौशल शिक्षा। जीवन कौशल शिक्षा भी विद्यालय की पाठ्यचर्या में उपेक्षित रही है, यानी कि एक तरह से उसकी उपेक्षा की जा रही है। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को केवल शास्त्रगत ज्ञान और प्रमाण पत्र प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन कौशलों और मूल्यों को उपलब्ध कराना भी है। जीवन कौशलों के पोषण में विकासशील, संशोधित स्वाभिमान, दूसरों के प्रति व विविध प्रकार से कि जीवन कौशलों के पोषण में विकासशील, संशोधित स्वाभिमान, दूसरों के प्रति व विविध संस्कृतियों के प्रति तदानुभूति का निर्माण आदि, उनकी आलोचनात्मक और सृजनात्मक सोच में सुधार आदि सम्मिलित हैं, ताकि बालकों को संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित निर्णय द्वारा जो है एक तरह से कहें समस्या का समाधान हेतु तैयार किया जा सके, जो समस्याएं हैं उनका समाधान स्वतः ही कर सकें बालक। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में जो मूलभूत जीवन कौशलों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते आप ये जानते होंगे कि विद्यालय की पाठ्यचर्या में जीवन कौशलों के अभ्यास को, कुछ क्रियाकलापों को करवाने और शिक्षार्थियों के प्रगति पत्र में सम्मिलित करने तक ही सीमित कर दिया गया है। यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है, शिक्षक होने के नाते अभी आप मान लीजिए, या तो शिक्षक, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बीएड के जो टीचिंग कर चुके होते हैं थोड़े बहुत दिनों तक, तो यानी कि एक तरह से शिक्षक के लिए तैयार हो ही रहे हैं। इस प्रकार से विद्यालयी पाठ्यचर्या में जीवन कौशलों की शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति अगर नहीं माना जाएगा इनको तो नहीं हो सकेगी। कभी कभी जीवन कौशलों को जो है उपलब्धि का मूल्यांकन भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को गुणात्मक रूप में मूल्यांकित करने की आवश्यकता होती है। इन कौशलों में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के गुणात्मक विवरण के आधार पर इनका केवल निरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन ये चुनौती है कि इन्हें विद्यालय पाठ्यचर्या के विविध विषयों के प्रकरणों में मूल रूप से या मूल जीवन कौशलों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। ये आवश्यक रूप से मूल पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग इनको बनाया जाना
चाहिए। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा को या स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को तथा मूल्य शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे न्याय, स्वतंत्रता तथा दूसरों की भलाई आदि का ध्यान रखें और स्वयं अपने हित की भी बात को समझें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।